सीबीआई की करतूतों पर आया सीजीआई चंद्रचूड़ को गुस्सा, सीबीआई को दे डाली नसीहत, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से ही देश की तमाम स्वायत्त संस्थाएं प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। हर एजेंसी की गतिविधियों पर प्रधानमंत्री का प्रभाव है। सीबीआई और ईडी का तो जबरदस्त दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी ने अब तक जितने छापे मारे हैं उनमें सबसे अधिक विपक्षी दल के नेता हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत कई विपक्षी नेता केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसे वक्त में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई को लेकर बड़ी टिप्पणी की। सीजीआई ने साफ सीबीआई को नसीहत डाली। सीजीआई ने सीबीआई को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ अपराध पर फोकस करने को कहा। आखिर क्या है पूरा मामला? सीजीआई चंद्रचूड़ ने सीबीआई को लेकर क्या कुछ कहा है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है मामला? सोमवार 1 अप्रैल 2024 को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सीबीआई स्थापना दिवस के मौके पर डीपी कोहली मेमोरियल व्याख्यान देने पहुंचे थे। इसी मौके पर सीजीआई ने देश की प्रमुख जांच एजेंसियों पर टिप्पणी करते हुए बड़ी नसीहत दे दी। देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह टिप्पणियां ऐसे वक्त में की गई है जब विपक्षी नेता पर हो रही कार्रवाई की वजह से केंद्रीय एजेंसियां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई ईडी को पढ़ाया संवैधानिक पाठ, सीमा पार न करने को कहा। देश भर में जांच एजेंसियां विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर रही है। पूरे देश में अब जांच एजेंसियों पर सवाल उठने लगा है। मोदी सरकार से भी लोग पूछ रहे हैं सवाल, साफ तौर पर लिख रहे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्यों साथ रखी है चुप्पी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जांच एजेंसी को अब साफ लफ्जों में समझा दिया, आप एक दायरा पार नहीं कर सकते। सीजीआई ने क्या कहा? सीजीआई ने कहा देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को केवल उन मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के खिलाफ अपराध शामिल हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ने जांच एजेंसियों को संतुलन कायम रखने की तत्काल आवश्यकता भी बताई है। सीजीआई ने कहा एजेंसियां द्वारा व्यक्तिगत सामानों की गलत जब्ती किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार की चिंताओं को बढ़ा देती है। हर मामला सीबीआई को एंडओवर कर देना अनुचित, डीवाई चंद्रचूड़ ने हर मामले में सीबीआई की एंट्री पर भी चिंता जाहिर की है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका से परे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। इससे सीबीआई पर अपने आदर्श वाक पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। सीजीआई ने आगे कहा मुझे लगता है हमने प्रमुख जांच एजेंसियों का बहुत कम विस्तार किया है, उन्हें केवल उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित है। हर मामला सीबीआई को हैंडओवर कर देना सही नहीं है।